आज मैं कंपैरिजन करने जा रहा हूँ मैकडोनल्ड और लोकल में, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले गया मैं लोकल, वहाँ पर जाकर मैंने देखा उनका जो था ना एक छोटा सा फूड ट्रक था, और सीटिंग की बात करते हैं सीटिंग उन्होंने साथ ही एक लगाई हुई थी, दो कुर्सियाँ और एक मेज़ पड़ा हुआ था। और उनके बर्गर की जो प्राइस थी वो 400 रुपया थी, और मैंने ऑर्डर दे दिया। तकरीबन 10 मिनट में जो है ना, 10 से 15 मिनट में मेरा ऑर्डर आ गया था, तो वो ऑर्डर लेकर मैं आ गया। और साथ ही साथ उनका जो है सेटअप था वो भी काफ़ी अच्छा था। उसके बाद बात करते हैं उनके टेस्ट की। टेस्ट मैंने जब किया लोकल का, तो उसमें जो है सॉस भी थोड़ी अजीब सी थी, और प्राइस भी थोड़ी ज़्यादा थी जो कि 400 रुपया थी। और जब मैंने टेस्ट किया तो मुझे इतना ख़ास टेस्ट उसका आया नहीं, और स्पाइसी वो बहुत ही ज़्यादा था। अभी मैं ऑर्डर दे ही रहा था मैकडोनल्ड का, तो भाई वहाँ पर मुझे मिल जाते हैं फ़ैन, एक भाई था और साथ ही उनकी अम्मी थी, जो कि मेरी बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ें कर रही थी और कह रही थी कि आपके व्लॉग तो मैं बहुत ही ज़्यादा शौक से देखती हूँ। और भाई कह रहे थे कि मैं आपको 2020 से देखता आ रहा हूँ, आपके व्लॉग जो है काफ़ी अच्छे होते हैं। अब मैं अपने मुँह से तो मियाँ मिठू बन नहीं सकता, तो आप जो है उनकी वीडियो ही देख लें भाई की। माशाल्लाह बॉयज ग्रेट मैन, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डेली अपलोड करना है, इसी तरह आगे बढ़े इंसान बनोगे इंशाल्लाह। और ये मुझे देखकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हुए थे, और मैं भी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड। बहुत कमाल का बंदा है ये, बहुत सही काम कर रहे हैं, सही है, आगे इंशाल्लाह इस तरह काम करना है, दुआ में याद रखना है। ओके ओके बस बात करते हैं आगे मैकडोनल्ड की। मैकडोनल्ड गए हम अंदर, अंदर जाकर मैंने सही सीधा ऑर्डर दिया, और रश जो था वो बहुत ही ज़्यादा था। तो तकरीबन ऑर्डर देने के बाद हमारा ऑर्डर बहुत ही जल्दी आ गया था, तकरीबन 5 मिनट में हमारा ऑर्डर हमारे पास आ गया था। उनकी सीटिंग की बात करते हैं, सीटिंग तो उनकी आउट क्लास थी, काफ़ी ज़्यादा रश भी था। फिर उसके बाद उनका बर्गर जब सामने आया तो उसमें दो पैटी थे, और बर्गर जो था उनका काफ़ी ज़्यादा डिसेंट था मैकडोनल्ड का। और जब मैंने टेस्ट किया तो यार टेस्ट जो था ना उसका आउट क्लास था, टेस्ट करके जो है ना मज़ा ही आ गया था। और उसमें जो उन्होंने चीज़ की एक लेयर डाल दी थी ना, जो एक पीस, तो उसने तो अंत ही कर दी थी। लोकल में पता नहीं क्या थी, और प्राइस भी ज़्यादा थी, और इतना जो था ना टेस्ट भी नहीं इतना ख़ास था। और सॉसेस वो उन्होंने थोड़ी ज़्यादा ही डाल दी थी, और ना ही समझ आ रही थी सॉस की। तो इसी के साथ मैंने जो चुना था ना वो मैकडोनल्ड का चुना था। अब्दी भाई भी टेस्ट करके कह रहे थे कि यार मुझे जो है ना मैकडोनल्ड का ही मज़ा आया, लोकल का पता नहीं क्यों नहीं आया। पिछली बार जब हम KFC गए थे तो उनको KFC का अच्छा लगा था और मुझे लोकल, तो इस मरदा हम मैकडोनल्ड गए हैं तो सब लोगों को जो है ना मैकडोनल्ड ही अच्छा लगा। अगर आपको इस तरह की सीरीज़ पसंद आती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह इस तरह की सीरीज़ और आएगी।